हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट यूट्यूब चैनल मार्केट आइडिया फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज हम फिर से देखेंगे कि मार्केट कल कैसे मूव कर सकता है, उसके साथ साथ आप कौन कौन से स्टॉक पे बाय सेल कर सकते हैं। लेकिन उस पर जाने से पहले जरूर हमें कहना चाहेंगे कि ये हमारा एजुकेशनल पर्पज चैनल है, तो हम यहाँ पे जो भी बताया दिखा रहे हैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। आप अपने कुछ भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए आज निफ्टी लगभग ओपन किया था नीचे की तरफ और उसके बाद इस पर एक अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला, मतलब बहुत ज़्यादा गैप डाउन होने के बाद एक रिकवरी मिला और उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम के बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल दिखने को मिला। अब यहाँ पे क्या था, आज एक्सपायरी था तो इसीलिए ये फॉल हो ही सकता था, क्योंकि पिछले कई दिनों से मार्केट ऊपर की तरफ रह रहा था, तो उस हिसाब से यहाँ पे एक फॉल आ सकता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है या फिर जो पोजिशंस ओपन होंगे वो पोजिशंस यहाँ पे या फिर इस लेवल पे जो पोजिशंस ओपन होंगे तो वो स्क्वायर ऑफ हो सकते, तो इसीलिए यहाँ पे हो सकते प्रॉफिट बुकिंग आया। उसी के साथ जो लोन का जो रिजल्ट मतलब जो हियरिंग था उसी के हिसाब से मार्केट में वोलेटिलिटी दिखा और मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश की। अब यहाँ पे इस चक्कर में क्या हुआ कि ये जो लो बने थे कल के या फिर जो दो एक दो दिन के लो बने थे तो इसको भी इसने ब्रेक किया और उसके नीचे इसका क्लोजिंग आया हुआ है। तो जब तक ये इस लो के ऊपर नहीं ट्रेड करता है तब तक हम इस पे बाइंग नहीं कर सकते, तो उस हिसाब से यहाँ पे एक जरूर थोड़ा सा वीकनेस बना है इस लो के चलते, ठीक है। अब अगर आपको कल बाय करना है तो आप ऑब्वियसली 12,830 के ऊपर बाइंग के लिए सोच सकते हैं। उस हिसाब से आपको पहला जो टारगेट या फिर रेजिस्टेंस मिलेगा वो 1,290-1,930 के आसपास है, और नीचे की तरफ अगर आपको सेल करना है तो 12,750-760 रेंज के नीचे आप सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। मतलब ये जो लेवल है इसके नीचे और नीचे की तरफ आपको 12,660 तक का एक सपोर्ट मिल सकता है, मतलब यहाँ तक मार्केट जा सकते हैं। उससे पहले भी रुक सकते हैं, लगभग इस लेवल के आसपास 710 से 720 के बीच में भी रुक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये गैप फिलिंग के बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिए और इसको ध्यान रखते हुए आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन ज़रूर बना सकते हैं। मतलब ऊपर की तरफ 12,830 के ऊपर बाइंग के लिए सोचना है और नीचे की तरफ 12,760-750 रेंज के नीचे सेलिंग के लिए सोचना है। उससे पहले मतलब इसके बीच में कुछ भी ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि ये एक नो ट्रेड जोन बन रहा है, तो उस हिसाब से इसको अवॉइड करने बेटर रहेगा। इसके ऊपर बाय कीजिए, मतलब बाय करने के लिए सोचिए, और इसके नीचे सेलिंग के लिए जरूर सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये था निफ्टी का व्यू। अब चलिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेते हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले जरूर हमें कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहे तो आप जरूर हमारे साथ टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस लिंक को फॉलो करके जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ये बिल्कुल ही फ्री है। और उसी के साथ साथ टेलीग्राम पे हम बहुत सारे लाइव मार्केट कॉल्स देते रहते हैं फ्री में, तो आप उसको जरूर एक बार देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी देखिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी कुछ निफ्टी की तरह ही मूवमेंट दिखा है, नीचे की तरफ ओपन हुआ गैप डाउन पे, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन ये जो हाई था इस लेवल को टच नहीं कर पाया, उसके बाद थोड़ा सा नीचे रहा और थोड़ा सा साइडवेज भी रहा इस फेज में इसके बीच में। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक स्ट्रेट फॉल दिखने को मिला, हालांकि जो एक्सपायरी के चलते या फिर आप कह सकते लोन का जो रिजल्ट था उस चलते मतलब हियरिंग के चलते आप यहाँ पे कुछ ना कुछ कारण की वजह से फॉल आया, और ये फॉल ये भी उसी को डिफाइन कर रहा है कि जो पिछला लोज थे इन लोज को इसने तोड़ दिया, और लोगों को तोड़ने के बाद इसी के नीचे इसका क्लोजिंग आया, तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा वीकनेस बन चुका है। अब ये वीकनेस कल रिकवर भी हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर ये वीकनेस चलता रहता है तो नीचे की तरफ थोड़ा सा सेल ऑफ दिखने को मिलेगा और ज़्यादा मतलब और कुछ ज़्यादा दूर तक सेल ऑफ दिखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से अगर आपको बाय सेल करना है तो आप कौन से लेवल पे कर सकते हैं। बाइंग अगर करना है तो स्ट्रिक्टली 129,130-150 ये जोन के ऊपर बाइंग कीजिए, इससे पहले बाइंग करना ठीक नहीं रहेगा। और उस हिसाब से आपको ऊपर की तरफ लगभग 29,550-570 तक का टारगेट मिल सकता है, और नीचे की तरफ अगर आपको सेल करना है तो 28,820 से लेके 800 के नीचे आप सेल कीजिए, मतलब ये जो जोन है इसके नीचे आप सेल कीजिए, और उस हिसाब से आपको जो पहला टारगेट मिल सकता है 28,470 ये लेवल 500 ये लेवल के आसपास है, ठीक है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिए और इसको ध्यान रखते हुए आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन बनाइए। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा वीकनेस बैंक निफ्टी में भी बना हुआ है और निफ्टी में भी बना हुआ है, तो इसीलिए नीचे की तरफ अगर ट्रेड चलने लगता है तो वो ट्रेड खास करके स्ट्रांग ट्रेड्स बनेंगे, और ऊपर की तरफ अगर चलता है तो थोड़ा सा वीकनेस बनेगा। हालांकि ऊपर की तरफ अगर ये लेवल ये फिर से क्रॉस कर जाता है तो यहाँ पे फिर से स्ट्रांग मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको ध्यान रखते हुए अपना ट्रेडिंग डिसीजन जरूर बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा स्टॉक्स देख लेते हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले जरूर हमें कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहे तो आप हमारे अंडर अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक को फॉलो करके जरूर हमारे अंडर अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप हमारे अंडर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारे तरफ से प्रीमियम कॉल्स एकदम फ्री में मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा स्टॉक्स देखते हैं। तो कल के लिए आप जो स्टॉक देख सकते हो वह है एक है पावर ग्रिड, और पावर ग्रिड में अगर हम डेली चार्ट पे चले जाए तो देखिए यहां पे
एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर दिख रहा है कि ये जो हाई बना था या फिर इसके आसपास ही यहाँ पे भी हाई बना था, तो ये इसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद रिकवर करके आज यहाँ पे हाई बना था, उसके बाद देखिए फिर से थोड़ा सा डाउन की तरफ मूवमेंट हुआ और उसके बाद आज जाके यहाँ पे एक रिकवरी दिखने को मिला। हालांकि क्लोजिंग इसका इसके ऊपर नहीं आया है, तो कल के लिए अगर आपको दिखता है कि पावर ग्रिड लगभग ये लेवल के ऊपर 191 लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो आप यहाँ पे जरूर बाइंग के लिए सोच सकते हो। ऊपर की तरफ आपको जो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा वो आज ही का हाई है, मतलब 197 के आसपास आपको रेजिस्टेंस जरूर दिख जाएंगे, तो 191 के ऊपर आप इंट्राडे पे इसको जरूर बाइंग के लिए सोच सकते हैं। मैक्स टू मैक्स 197 भी चल सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम के साथ एक्युमुलेशन हो रहा था, यहाँ पे ये जो डाउनफॉल आया ये नेक्स्ट हाफ में ट्रेडिंग क्योंकि पूरा मार्केट नेगेटिव जोन में था तो उस हिसाब से इस पे भी एक नेगेटिव व्यू बना और उसी हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल आया। लेकिन अगर ये इतना फॉल नहीं आता मार्केट में तो हो सकता आज ये ऊपर की तरफ कहीं पे यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पे क्लोज करता, तो उस हिसाब से ये ठीक है। तो आप जरूर इसको 191 के ऊपर इंट्राडे पे बाइंग के लिए सोच सकते हैं। 197 मैक्सिमम आपका टारगेट हो सकता है, उससे पहले भी ये रुक सकता है, यह हमें नहीं मालूम कितना जाएगा, लेकिन अगर जाता है तो मैक्स टू मैक्स 197 या फिर उसके ऊपर भी चल सकता है। ठीक है, तो इसको जरूर आप इंट्राडे पे कल ट्राई कर सकते हैं बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू पे। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले जरूर हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको किसी भी स्टॉक को लेकर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है या फिर कुछ क्वेश्चन आपका है स्टॉक के ऊपर, तब हमें इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उसके आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। तो दूसरा जो स्टॉक हम देखेंगे वो है JSW स्टील। तो JSW एक सेकेंड रुकिए, JSW स्टील, हाँ तो यह है JSW स्टील का डेली व्यू, 1 आवर अर्ली व्यू में ही चलते क्योंकि यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रहा है। ओके 5 मिनट्स रुकिए, एक सेकेंड। ओके तो JSW स्टील देखिए कुछ दिक्कत हो रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है वेबसाइट के ऊपर, तो छोटे टाइम फ्रेम में खुल नहीं रहा था, तो इस हिसाब से हमने बड़ा टाइम फ्रेम लिया 1 मंथ के टाइम फ्रेम में। अब इसको छोड़िए, इसको ध्यान में रखिए कि अगर JSW स्टील कल आपको 302 के नीचे मिल जाता है, सॉरी 328 के नीचे अगर JSW स्टील मिल जाता है तो आप यहाँ पे जरूर इसको सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। आज यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, हालांकि ये मंथली कैंडल में लिया हुआ है इसीलिए ये ग्रीन दिखा रहा है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे एक रेड कैंडल बना हुआ है, तो 328 के नीचे अगर JSW स्टील मिलता है तो आप यहां पे जरूर सेलिंग के लिए सोच सकते हैं और उस हिसाब से आपको लगभग मैक्स टू मैक्स 302 का टारगेट मिल सकता है। अभी एक ही दिन में मिलेगा ऐसा तो कभी भी हो ही नहीं सकता, मतलब हो भी सकता है लेकिन हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर 328 के नीचे आपको अगर 1% का भी मूवमेंट मिल जाता है तो भी आप उसको अच्छा खासा मूवमेंट पकड़ सकते हैं इंट्राडे पे। तो उस हिसाब से आप JSW स्टील को कल बाइंग सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे जरूर रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं JSW स्टील का सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे। अगर आपको मिलता है सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे तो आप उसको जरूर उससे अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है आपको, अगर नीचे की तरफ 328 के नीचे चलने लगता है तो। ठीक है, तो ये था दो स्टॉक्स आपके लिए, एक JSW स्टील और दूसरा पावर ग्रिड, और उसी के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो भी व्यू था वो भी हमने आपको बताया। चलिए वीडियो बस आज के लिए इतने, वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। उसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट और प्यार जरूर दीजिएगा, और उसी के साथ जो बेल नोटिफिकेशन बटन है उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर उसको आप प्रेस नहीं करेंगे तो हम जब भी रोज नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा नहीं, तो इसीलिए हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।